वेलकम टू माय चैनल मोइनटेक सपोर्ट। मोइनटेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर टेप। एमएस वर्ड में पिक्चर टेप को हम डिस्कस करेंगे। चलिए एमएस वर्ड पहले ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एमएस वर्ड का पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में इंसर्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक हमारा टेप मिलेगा पिक्चर। पिक्चर टेप को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इसमें किस तरह से हम पिक्चर ला सकते हैं और पिक्चर के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, पिक्चर की कितनी फॉर्मेटिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप हम सभी को डिस्कस करेंगे। इसी में टेबल टेप हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है और भी इसके होम टेप के अंदर जितना भी कंटेंट्स हैं उन सभी पे हमने पीछे के वीडियोस को मैं कवर किया है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से हमने वीडियोस को वहाँ पे डाला हुआ है, वहाँ से देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। चलिए पिक्चर के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये जो पिक्चर ऑप्शन है यहाँ से आप अपने एमएस वर्ड के अंदर एक पिक्चर ला सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ से डिस्कस करने जाते हैं। तो चलिए पिक्चर टैब पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ से आप अपना पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैंने इस पिक्चर को यहाँ से ले लिया और इंसर्ट किया, तो इस तरह से ये पिक्चर मेरी एमएस वर्ड के अंदर आ जाती है। एमएस वर्ड में जैसे आप पिक्चर लेके आएंगे तो अभी पिक्चर को हम मूव नहीं कर पाए। यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा आपको लेआउट ऑप्शन, यहाँ पे कॉर्नर में दिखा रहा है, या फिर रेप टेक्स्ट नाम से यहाँ आपका यहाँ पर भी मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप बिहाइंड टू टेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो ये पिक्चर को आप मूव कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस पिक्चर को मूव नहीं कर सकते थे। ये कॉर्नर में पॉइंट्स हैं, इससे हम पिक्चर को छोटा भी कर सकते हैं। इससे ऊपर की साइड से हम इसको वर्टिकली डाउन कर सकते हैं, इसको हॉरिजेंटली भी डाउन कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। यहाँ से एक मूव करने के लिए रहता है, अगर मूव अगर आपको पिक्चर को करना है तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से समझते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से ये पिक्चर छोटी हो जाएगी। पिक्चर टेप के अंदर देखिएगा बाहर जैसे आप क्लिक करेंगे पिक्चर से अलग साइड में तो वो ऑप्शन हमारे चले जाएंगे। यहाँ जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट नाम का एक ऑप्शन यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। जैसे ये देख पा रहे हैं पिक्चर से बाहर क्लिक करते ही वो ऑप्शन चला जाता है, लेकिन पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इसके सारे जितने भी कंटेंट्स हैं सब हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो में बने रहिएगा, इसको एंड तक जरूर देखिएगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ से रिमूव। अगर रिमूव को हम देखें, रिमूव पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हम रिमूव कर सकते हैं। ये एक हद तक आप रिमूव कर सकते हैं। इसको अगर प्रॉपरली करना है तो देखिएगा आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये डिफॉल्ट सिलेक्शन रहता है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये वही पार्ट बचेगा पिक्चर का, सिर्फ यही पार्ट है, इससे हम इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर पाए। अभी हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब देखिएगा आगे इसमें ऑप्शन मिलेगा एक करेक्शन। करेक्शन से इस पिक्चर के अंदर हम करेक्शन बहुत सारे करेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसकी लाइट आपको माइनर इसमें डिफरेंस मिलेगा, ये इफेक्ट पिक्चर के ऊपर पड़ जाएंगे, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ बहुत सारे, इसको डार्क भी कर सकते हैं, इसको डाउन भी कर सकते हैं, जिस भी इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आपके पिक्चर के ऊपर आके अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से लाइक मेरी पिक्चर ये है, मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो देखिएगा ये ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है लेकिन हल्का सा ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, ये डाउन हो रही है, डार्क हो जाती है ब्राइट। इसी के साथ हम देखेंगे कलर्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि ये पिक्चर मेरी ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट, यहाँ से देखें तो पिक्चर का अलग कलर हो रहा है। ये अलग अलग इसमें कलर्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ से देखें तो एक स्क्रेच टाइप का यहाँ से हो जाता है, ये और डाउन स्क्रेच हो जाता है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे डिफॉल्ट रहती हैं सारी कंडीशंस, जिस भी कंडीशंस पर आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर का स्टाइल यहां से आप चेंज कर सकते हैं, उसके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें मिलेगा आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया इफेक्ट रहता है, यहां पे लिखा है आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसके अंदर आर्टिस्टिक इफेक्ट रहते हैं हमारे। इसी पिक्चर के अंदर देखिएगा कुछ इस टाइप के डिजाइन, आपके ब्लर टाइप का पिक्चर हो जाएगा, यहाँ से कुछ अलग मिल रहा है, ये काफी इंटरेस्टेड है। यहाँ से ये देखिएगा इस तरह से आप अलग अलग इफेक्ट्स यहाँ से डाल सकते हैं। ये डिफॉल्ट है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, एक क्लिक करने के बाद पिक्चर को जाके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है देखिएगा कंप्रेस पिक्चर आता है, चेंज पिक्चर आता है और रीसेट पिक्चर्स आता है। कंप्रेस पिक्चर जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस कंप्रेस पिक्चर से आप पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये पिक्चर था 80 KB की पिक्चर थी, अगर इसका साइज कंप्रेस करना चाहते, कुछ थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी पिक्चर का, किसी भी इमेज का साइज कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 1 MB में अगर आपकी पिक्चर है तो उसको
केबी में या उसका साइज और भी डाउन आप कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप अगर आप देखेंगे जो हमारे आप चैनल पे आपको मिलेगा तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ डिफॉल्ट रहता है तो इसको समझ लेते हैं। कंप्रेस पिक्चर अगर करेंगे, अगर ये पिक्चर है मेरी, यहाँ से कंप्रेस किया और यहाँ कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, कभी कभी कुछ ऑप्शन आपको हाइड भी मिलेंगे, तो मैंने ये ऑप्शन इसको चूज किया और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद इस पिक्चर को यहाँ से राइट क्लिक किया और राइट पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर इस पिक्चर को हम सेव कर देते हैं। ये पिक्चर हमारी, इसको हम मान लीजिएगा टीटी नाम से हम सेव कर देते हैं। ये पिक्चर हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर हमारी सेव हो जाएगी। अभी देखते हैं, देखिएगा जो मेरी पिक्चर थी, मेन पिक्चर मेरी ये है और अभी जो हमने पिक्चर सेव की है वो कुछ इस टाइप से ये पिक्चर है। अगर इसका हम साइज देखें तो इसका साइज यहाँ पे दिखाता है 341 KB, लेकिन जो दूसरी पिक्चर है जो मैंने कंप्रेस की है 103 KB, इसका साइज कम हो। तो पिक्चर का साइज भी हम एमएस वर्ड से जाके यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। इसको अभी फॉर्मेट टैब में चलते हैं तो यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं पिक्चर के साइज को। चेंज पिक्चर अगर आपको करना है, ये ऑप्शन अभी हम जस्ट इसके बाद में यहाँ से डिस्कस करेंगे, चेंज पिक्चर और रीसेट पिक्चर। इसी पिक्चर को अगर मान लीजिएगा मैं एक दूसरी पिक्चर ब्राउज करा लेता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा तरीका भी है पिक्चर ब्राउज कराने का, इस तरह से पेज को अपने रिस्टोर करेंगे और रिस्टोर करने के बाद लाइक इस पिक्चर को ड्रैग करके इसके ऊपर लाके छोड़ देंगे तो ये पिक्चर एमएस वर्ड के अंदर यहाँ से आ जाएगी। इस पिक्चर को भी हम इसी तरह से अभी यहाँ से एक दूसरी पिक्चर यहाँ से ओपन करा लेते हैं। पिक्चर से गए हम और कई सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप किसी भी पिक्चर को यहाँ से इसके अंदर ला सकते हैं। लाइक मैंने यही पिक्चर है, इसको इंसर्ट करा लिया तो ये कुछ इस टाइप से आ रही। इसका साइज अलग है, इसको फिर हमें जाके यहाँ से बिहाइंड टू टेक्स्ट यानी कि इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा। पिक्चर का लेआउट चेंज करके पिक्चर यहाँ आ जाती है। इसमें कुछ डिफॉल्ट ऑप्शन भी हैं, देखिएगा यहाँ से हम इस पिक्चर का बॉर्डर वगैरह इसमें डाल सकते हैं। इसमें भी डिफॉल्ट है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। ये स्टाइल एक चेंज हो रहा है पिक्चर, जैसे हमने क्लिक किया तो वो स्टाइल हमारा यहाँ से चेंज हो जाएगा। यानी कि पिक्चर के हम कोई भी स्टाइल यहाँ से लगा सकते हैं इस पिक्चर को, जितने भी स्टाइल आपको मिलेंगे। लेकिन ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब इसका पिक्चर के ऊपर क्लिक होगा। देखिएगा फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ से चला जाता है, जैसे पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर पे क्लिक करते ही प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से बॉर्डर वगैरह हमने यहाँ से किया, लाइक मैंने ये बॉर्डर कर दिया। अब मुझे तो ओरिजिनल मेरी पिक्चर चाहिए, मुझे इसका बॉर्डर अगर हटाना है तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा देखिएगा इसके अंदर जो इसको नन कर सके। यहाँ से स्टार्टिंग में कहीं पे भी आप जाएंगे एक्स वाई जेड तो वो कोई ना कोई डिजाइन लेगा, लेकिन आपका बॉर्डर रिमूव नहीं करेगा, यानी कि जैसी आपकी ओरिजिनल पिक्चर थी उसमें नहीं जाएगा। तब देखिएगा इस ऑप्शन को यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, तभी मैंने बताया, इसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। रीसेट पिक्चर अगर आप करेंगे तो पिक्चर आपको ओरिजिनली मिल जाएगी जो आपकी ओरिजिनल पिक्चर थी, तो जो भी आपने बॉर्डर डाला वो उसका रिमूव हो जाएगा। इसी के साथ में एक और यहाँ पे ऑप्शन रहता है रीसेट पिक्चर साइज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले इसको रिसाइज किया है, ये लाइक मैंने इसका साइज रिसाइज किया है, और रीसेट पिक्चर एंड साइज अगर करेंगे तो आपका जो इससे पहले साइज था वो वापस रिवर्स होके आ जाएगा, यानी कि साइज इसका वापस भी ला सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल साइज आप भूल चुके हैं, बाद में आपने इसको रिसाइज कर दिया। तो यहाँ से पिक्चर को रिसाइज अगर करेंगे तो वापस में दोबारा से जो है वही पुराना साइज आपका आ जाएगा। इसके बाद कुछ ऑप्शंस हमें आगे मिलेंगे, पिक्चर बॉर्डर मिलेगा। तो यहाँ से इस पिक्चर के ऊपर अगर इनकेस मुझे बॉर्डर डालना है तो देखिएगा यहाँ से सिर्फ माइनर सा बॉर्डर, यहाँ से हम ये रेड कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया, तो पिक्चर के ऊपर देखेंगे यहाँ पे रेड कलर का एक बॉर्डर हमें मिल गया है, तो हम बॉर्डर डाल सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर सीधा सा ऑप्शन है, इस बॉर्डर को हम चाहें तो यहाँ से देखिएगा इसकी वेट हम बढ़ा सकते हैं, इस बॉर्डर को कितना रखना है और किस कलर में रखना है। पिक्चर का बॉर्डर हम यहाँ से चेंज करें, येलो रखना है, ग्रीन, ब्लू, जो भी आप कलर रखना चाहें, आपको ब्लैक रखना है या ब्लू रखना है तो आप रख सकते हैं। इसका बॉर्डर अगर आपको यहां से भी रिमूव करना है, नहीं रखना, तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, या फिर आपको डैशेस का भी बॉर्डर यहां से मिल जाएगा, तो डैशेस की कंडीशन में भी पिक्चर के ऊपर आप इस तरह से बॉर्डर लगाते हैं। अभी हम यहाँ से बॉर्डर को हटा देते हैं, हमें बॉर्डर नहीं रखना, तो नो बॉर्डर हम यहाँ से कर देंगे। इसी ऑप्शन के अंदर अगर देखेंगे तो देखिएगा बॉर्डर तो आपने लगा दिया, लाइक ये डैशेज में लगाया है, जो भी लगाया डैशेज में ये लगाया, लेकिन इसके कलर्स का एक और ऑप्शन मिलता है, मोर आउटलाइन कलर। इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से कलर को डायग्नोज कर सकते हैं। जो हमने येलो लगाया है, इस येलो को हमें थोड़ा सा डाउन करना है या कुछ तेज करना चाहते हैं तो यहाँ से दिखेगा, डेमो में दिखा रहा है वो, यहाँ पे दिखाएगा आपको। ओके करेंगे तो उसी तरह का हो जाएगा, क्योंकि जो कलर हमने लिया है वो कलर परफेक्ट हमें वो नहीं डालना, बल्कि उस कलर को हल्का सा डाउन करना है या तेज करना है, तो मोर कलर ऑप्शन में जाके उस कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अभी नो कर देते हैं, इसके बाद हम देखेंगे, अभी नो हुआ नहीं है, नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हमारा चला जाएगा। पिक्चर इफेक्ट में लेंगे, पिक्चर इफेक्ट में देखेंगे तो जो इफेक्ट आपको यहाँ से भी कुछ मिल जाते हैं, यहाँ से डिफॉल्ट आप इस पिक्चर के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं। जैसा भी जो भी आप इसमें इफेक्ट डालेंगे तो हमने ये देखिएगा ये
एक अलग स्टाइल इसका बना लिया पिक्चर का। इस स्टाइल में हमने कहाँ से किया, इफेक्ट से किया है इसके अंदर। इसी तरह से आपको बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ से मिल जाएंगे, आप इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि किस किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद इसमें शेडो है, शेडो भी हम डाल सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे की साइड में हम शेडो डाल रहे हैं, यहाँ पे शेडो मिल रहा है। ये अलग अलग शेडोज हमें यहाँ से पिक्चर के मिल जाते हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन अगर डालेंगे तो ये पिक्चर रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से नीचे आ जाएगी, तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। गिलो हो सकता है, जो हमने एमएस वर्ड के फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया है, गिलो रिफ्लेक्शन ये क्या होता है। सॉफ्ट एज है, इसकी एज डाउन कर सकते हैं आप। यहाँ से देखेंगे तो एज आपकी डाउन नहीं होगी, क्योंकि आपको सबसे पहला ऑप्शन को आप हटाना है। देखिएगा ये जो मैंने बॉक्स टाइप का बनाया है, इसको हटाने के लिए आपको नो पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ से गिलो काम करेगा। अब ये देखिएगा साइड में आप देख पा रहे होंगे कलर, तो इस पिक्चर के ऊपर आप गिलो भी कर सकते हैं। सॉफ्ट एज है, सॉफ्ट एज आपको डाउन करना है, तो देखिएगा कोर्स इसकी डाउन हो जाती है, साइड में जो एजेज रहती हैं वो डाउन हो जाएंगी, है ना। वेवल है, वेवल में पिक्चर ऊपर की साइड में डिजाइन किस किस तरह के क्रिएट हो जाते हैं, सभी आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से पिक्चर को रूट कर सकते हैं, इस तरह से घुमा सकते हैं। अगर यही पिक्चर है आपकी, इस तरह से अगर मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगी। इसी पिक्चर को अगर हम देखें आगे, देखते हैं पिक्चर लेआउट है। पिक्चर लेआउट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा हमें, इसमें कुछ डिजाइन है जिस डिजाइन के अंदर अपनी पिक्चर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर इस कंडीशन में चली जाएगी और पिक्चर भी रहेगी, और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप टेक्स्ट भी जाके लिख सकते हैं। इस तरह से अपने आप से ऑटोमेटिकली जाके किसी भी डिजाइन को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से ये पिक्चर आप ले सकते हैं, और पिक्चर के बाद में पिक्चर का जो भी पिक्चर है उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या जो भी एक्स वाई जेड टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये डिफॉल्ट कंडीशन यहाँ पे मिलती है। इसके बाद में रहता है पोजिशन, आप अपनी पिक्चर की पेज के ऊपर पोजिशन कहाँ सेट करना चाहते हैं, तो पोजीशन ऑप्शन है। यहाँ से देखेंगे तो देखिएगा ये जिस तरह से इस पेज के अंदर ये पिक्चर का सिंबल दिखाता है, वहीं जाके इसकी पोजीशन को ये सेट कर देगा। जहां पे भी पेज के ऊपर आपको सेट करना है वहां एक्स वाई जेड सेट हो जाएगा। ये रेप टेक्स एक अगला ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से पिक्चर को सेंड टू बैक करना है या फ्रंट पे लेके आना है, ऐसा हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जो ऑप्शन आपको सेम यहाँ भी मिलेगा, जब ये पिक्चर मूव नहीं होती है तो यहाँ से क्लिक करने के बाद हमें बिहाइंड टू टेक्स्ट करना होता है, तभी ये पिक्चर मूव होती है, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। इसके बाद में कुछ ऑप्शंस ये हैं जो अभी मैं जस्ट इसके बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ से एक रोटेट, रोटेट से देखेंगे तो ये पिक्चर हमारी, इसको हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पर, हॉरिजेंटली, वर्टिकली और 90 डिग्री हमें इसको मूव करना है। जिस भी एंगल पे जाएंगे तो ये पिक्चर हमारी उसी एंगल पे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर उसी कंडीशन में जाके शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद में हमारा ऑप्शन रहता है क्रॉप। क्रॉप करने के लिए लाइक मुझे इसका अनवांटेड पार्ट क्रॉप करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जैसे आप क्रॉप करेंगे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो ब्लैक पॉइंट है इनको पकड़ के आगे हल्का सा ड्रैग करेंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, जो अनवांटेड पार्ट है, लाइक नीचे से भी थोड़ी सी क्रॉप करना चाहते हैं, इतना कटिंग पासपोर्ट साइज अगर इनकेस हमें बनाना है, तो इस तरह से हम इसका कटिंग चारों तरफ से इसको सेट कर लेंगे और लास्ट में जाके एंटर प्रेस करेंगे तो पिक्चर का उतना ही पार्ट बचेगा जितना आपने इसमें क्रॉप में सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट होने के बाद में पिक्चर को हम क्रॉप यहाँ से कर सकते हैं इसी सेम पिक्चर को, तो इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। इसी पिक्चर को हम किसी शेप में डालना चाहते हैं तो लिखा है इसके अंदर क्रॉप टू शेप, यानी कि शेप की कंडीशन में क्रॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन लेके मैंने हार्ट की शेप पे जैसे ही आप इसमें क्लिक किया तो देखिएगा ये पिक्चर एक हार्ट की शेप में जाके शिफ्ट हो गई। अब ये पिक्चर तो यहाँ से जाके शिफ्ट हो जाती है, लेकिन अगर देखेंगे तो इसका हेड थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। अगर इस पिक्चर को हम सेट करना चाहते हैं तो यहीं से हम सेट कर सकते हैं, या अदर शेप्स भी मिलेंगे। यहाँ देखिएगा ये एरो है, एरो में जाके आपने कन्वर्ट कर दिया, या फिर इसी तरह से हम देखेंगे तो यहाँ से ये क्लाउड मिलेगा, क्लाउड में जाके पिक्चर कन्वर्ट हो गई और यहाँ से इसको हम बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ से कुछ हमें कुछ इसमें इशू है कि देखिएगा हेड पोर्शन यहाँ से जाके ब्रेक हो जाता है, हम ये चाहते हैं इसका हेड यहाँ पे आ जाए, इस तरह से हम इसको सेट कर लें। तो क्रॉप में जाके देखिएगा एक ऑप्शन है फिल, फिल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस पिक्चर को सेट कर सकते हैं। ये देखिएगा इसका हेड आपको जहाँ रखना है या जिस तरह से इस पिक्चर को रखना चाहते हैं, आप देखिएगा ऊपर का पोर्शन इस पिक्चर में नहीं है तो नहीं आ पाएगा, या तो इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप से आपने सेट कर लीजिए। इसके बहुत सारे डिजाइन हैं, आप यहाँ से देखेंगे प्रैक्टिकली इसको तो सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में फिट रहता है, अगर फिट करेंगे तो प्रॉपरली जो फिट फिटिंग जो पिक्चर है वो अपने साइज में फिट रहेगी, सिर्फ इससे इतना कर सकते हैं। बाकी आपका फिल ऑप्शन है, फिल से आप इस पिक्चर को अपने हिसाब से चाहे जहाँ रख सकते हैं उसी हिसाब से ये पिक्चर हमारी
सेट हो जाएगी, ठीक है। ऊपर का पोर्शन में पिक्चर नहीं थी इसलिए वो पिक्चर को शो नहीं करता है। तो आपको ये क्रॉप है, क्रॉप शेप में है, एस्पेक्ट रेशो है, यहाँ से अगर देखेंगे तो 3:4 में अपने आप से ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो पिक्चर है उसको जाके उसी साइज में कन्वर्ट कर रहा है, एक रेशो में चेंज कर देगा। इसके बाद आगे देखते हैं इसी में, एक इसको यहाँ साइड रख देते हैं, एक और पिक्चर यहाँ से हम ब्राउज करा लेते हैं, पिक्चर पे जाते हैं और दूसरी पिक्चर हमारी हम डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं, ये पिक्चर आ जाती है। इसको भी यहाँ से जाके फ्री करेंगे तो ये पिक्चर फ्री हो जाएगी, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ी पिक्चर हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मिलेगा आपको इसका साइज रहता है पिक्चर का। अब ये जो पिक्चर है हमने यहाँ से तो इसको छोटा कर लिया है, लेकिन हम इसका पर्टिकुलर 2 इंच बाय 3 इंच या एक स्पेसिफिक साइज देना चाहते हैं। इसका साइज देने के लिए आपको यहाँ साइज मिलेगा, पहले आपको पिक्चर को सेलेक्ट करके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं, यहाँ पे 2 इंच लिख देते हैं, ये इंच में काम कर रहा है यहाँ पे, इसको भी 2 करेंगे और वापस आके पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अभी चेक करेंगे तो दिखेगा 2 इंच मैंने यहाँ डाला लेकिन ऊपर 2.16 आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 करेंगे, फिर दोबारा इसको चेक करेंगे, क्लिक किया, अभी हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करके जाके चेक करके देखते हैं, तो देखेगा यहाँ ऊपर सेट किया तो नीचे चेंज हो जाता है, नीचे सेट करते हैं तो ऊपर चेंज हो जाता है, लेकिन 2:2 में ये पिक्चर कन्वर्ट नहीं हो पा रही। तब हम क्या करेंगे, अगर प्रॉब्लम आता है आपको तो यहाँ से क्लिक करके, ये लिखा हुआ है लॉक एस्पेक्ट रेशो, इसको जैसे आप अनचेक करेंगे और ओके करेंगे तो आप मैनुअली जितना भी साइज इसमें रखना चाहते हैं वो साइज आप इसमें प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर हमारी उसी साइज में जाके सेट हो जाएगी, देखिएगा 2:2 2:2 में कन्वर्ट हो गई। तो किसी भी पिक्चर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लाइक इसका आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो इस तरह से अपने ये फोटो यहाँ पे रखेंगे, और 2 इंच बाय 2 इंच है ये आपको देखना है कि पासपोर्ट साइज का फोटो आपको कितना रखना है, उतना ही साइज आप यहाँ पे जाके रख देंगे। और इसी पिक्चर के ऊपर अगर आपको इनकेस ग्लो बढ़ाना है तो आपको मैंने यहाँ से दिखाया है, देखिएगा ये लाइट इसमें बढ़ जाएगी, ये काफी है ना, अभी आप देखते हैं इसको, इसके ऊपर ब्राइटनेस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो देखिएगा पिक्चर पे ब्राइटनेस काफी हो रही है, तो यहाँ से आप इसके अपने हिसाब से ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस हमने इसकी सेट कर ली, इसका साइज भी हमने सेट कर लिया, कंट्रोल डी कमांड को अगर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में डी तो ये पिक्चर डबल हो जाएगी, इस तरह से सेट कर लेंगे, फिर कंट्रोल डी करेंगे तो ये आगे हो जाएगी पिक्चर, और फिर कंट्रोल डी करेंगे तो ये पिक्चर इस तरह से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी पिक्चर को अगर हम देखें तो ये पिक्चर हमने 2:2 के साइज में कन्वर्ट कर दी 2 इंच बाय 2 इंच में। तो इसी पिक्चर को हम, ये पिक्चर मेरी यहाँ पे ऊपर है, इस पिक्चर को अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ जो ऑप्शन मैंने अभी यहाँ से स्किप किए हैं इसको देखेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन हैं, इस पिक्चर को, किस पिक्चर को हमें नीचे भेजना है, किस पिक्चर को हमें ऊपर लाना है। यहाँ से अगर देखें तो सेंड टू अगर हम बैक कर दें तो ये पिक्चर देखिएगा नीचे चली जाती है, इन पिक्चर्स के नीचे चली जाएगी। अगर मुझे अभी इसे ऊपर लेके आना है तो यहाँ से करके ब्रिंग फॉरवर्ड अगर हम करेंगे फ्रंट तो ये ऊपर आ जाएगी। तो किसी भी पिक्चर को आप नीचे भेज सकते हैं, किसी भी पिक्चर को आप ऊपर ला सकते हैं। इस पिक्चर को हम देखें तो ये नीचे आती है पिक्चर, जबकि मुझे तो इस पिक्चर को ऊपर लेके आना है, इसके ऊपर यहाँ पे लाके रखना है, तो आप इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से हम इसको ऊपर लेके आए, हमने हो सकता है हमें यहाँ पे लगानी है पिक्चर या कहीं पे भी रखनी है, तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये मैंने पिक्चर की सारी प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की है, आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ आए होंगे। अगर ऑप्शन सारे समझ आए हैं, अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आप सारे ऑप्शंस को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।